राम राम सभी दोस्तों को। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका चैनल ड्रीम थाउजेंड राइड्स में। तो जैसे कि बहुत ही भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने विंडशील्ड कैसे इंस्टॉल किया, उस पर एक वीडियो बना के डालो कि स्क्रैम पे इस पर विंडशील्ड आती नहीं है तो अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो भाई हमने थोड़ा देसी जुगाड़ लगा के इस पर विंडशील्ड इंस्टॉल की है। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसका ये हेडलैम्प का भाई ये साइड वाला बोल्ट हम इसका खोल लेंगे बड़े आराम से। एल की आपको इसके लिए लगेगी जो कि आपको बाइक के टूल किट में ही मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर हम भाई आराम से इसका धीरे धीरे बड़े ही प्यार से इंडिकेटर खोलेंगे। तो ये भाई इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश कर रहा था जो कि नहीं खुलेगा, ये भी एल की से ही खुलेगा भाई। तो बड़े ही प्यार से भाई इसको खोलना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा इंडिकेटर पहले ही टूटा हुआ है, तो बड़े ही प्यार से भाई इसको खोलना चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही हार्ड है। यहाँ पे इंडिकेटर कोई इतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा भी ज़ोर ज़्यादा लगेगा तो ये टूट सकता है। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरह फिर उसके बाद हम इसका राइट वाला हेडलैम्प का बोल्ट और ये इंडिकेटर इसका ये वाला भी रिमूव कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई कितने ही प्यार से मतलब पेशेंस रख के इसको खोल रहा है। तो अमित भाई आज हमारी हेल्प कर रहा है मतलब ये काम करने में। तो एक्चुअली ये विंडशील्ड हमने पहले इंस्टॉल करके रखी थी, तो भाइयों के कमेंट आ रहे थे तो भाई मेरे पास बैठा था तो मैंने कहा चलो भाई आज हम इसका एक बार विंडशील्ड खोल के दोबारा इसको लगा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी विंडशील्ड है, इसमें भाई तीन वेरियंट आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और ये हमारा स्मॉल वाला। तो इसकी ये स्ट्रिप्स आपको वहाँ से ही मिल जाएंगी, दुकान से इजीली वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो इसमें कोशिश करना भाई ब्लैक वाली मिले क्योंकि ये वाला कलर तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता स्ट्रिप्स में, लेकिन फिर भी फिलहाल लगाने के लिए मैं यही चला रहा हूँ। तो जैसा कि भैया आपने देखा कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इस चीज़ को, मतलब 15-20 मिनट में ही आराम से विंडशील्ड आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं नट भाई इसके अच्छे से टाइट कर लें ताकि ये विंडशील्ड वाइब्रेट ना करे ऐसे खड़के ना वहाँ पे। तो उसी तरह आप देख सकते हैं भाई ये इंडिकेटर का नट लगा रहा है। अब दूसरी स्ट्रिप हमने यहाँ इंडिकेटर के नीचे दी है जो कि हमने इंडिकेटर उतारा था इसका। तो ये नट ऊपर से हम इसका वाशर लगा लेंगे भाई हम इसको, तो उसके बाद टाइट कर देंगे ताकि ये निकले ना वहाँ से और अच्छे से टाइट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई कर रहा है। तो बस कुछ इतना ही आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और विंडशील्ड की अगर कोई और इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये विंडशील्ड भाई हिमालयन की विंडशील्ड है। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तीन वेरिएंट आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये मीडियम वाला है और इसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 650-700-800 रुपये में ये आपको मिल जाएगा आराम से स्टोर पर। तो ये वाली स्ट्रिप्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे वहाँ पर बोल्ट में भी भाई रस्ट लग गया। तो ये कुछ चीज़ें भाई ध्यान में रखनी पड़ती हैं जो कि मेरी आज ही नज़र पड़ी है, तो अब इनको चेंज करना पड़ेगा। और वैसे भी इसके इंडिकेटर भाई बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते नहीं हैं। तो ये इंडिकेटर भी भाई हमारा ख़राब हुआ था, मतलब ये टूटा था जब हमने इसके बल्ब चेंज किए थे। इसकी लाइट बड़ी कम है भाई इंडिकेटर की, तो इसमें LED बल्ब लगवाए थे तो थोड़े से बड़े थे, तो उस वजह से ये इंडिकेटर अब यहाँ से टूट गया है। तो मैं एल्फी गुजारा कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो भाई हिंदुस्तान का देसी जुगाड़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई दूसरा नट भी यहाँ पर फिट कर रहा है बड़े आराम से। तो कुछ इस तरह से भाई ये इंस्टॉल होने के बाद अब आपको दिखाते हैं कैसी लगेगी। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है, तो भाई ने बड़ा ही अच्छा काम किया, बड़ा ही स्मूथली, बड़े ही प्यार से भाई ने बड़ी जल्दी इंस्टॉल कर दी है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पहले भी इंस्टॉल करके रखी थी खाली भाइयों के लिए कि भाई कह रहे थे कि कैसे इंस्टॉल की है। अगर इसके बाद भी किसी भाई को समझ नहीं आती तो भाई कमेंट कर देना, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करें। तो आप देख सकते हैं ये लगने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है भाई। मैंने कभी इस तरह के वीडियो बनाए नहीं, राइड शाइड ही करता हूँ, तो ये पहली बार मतलब इतना डीप जाके मेरे को बताना पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। तो कुछ इस तरह से भाई इंस्टॉल की है, ज़्यादा टफ है नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बड़े आराम से भाई फ़ोन चलाते चलाते भाई ने ये फिट कर दी। तो थैंक्स भाई अमित भाई को भी हमारी हेल्प करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं तो हमने आज ये काम कर दिया। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ पक्का 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 कमेंट करना। तो ठीक है दोस्तों, फाइनली ओके हो चुकी है हमारी बाइक, विंडशील्ड हो चुकी है एकदम से इंस्टॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ही खतरनाक लुक आ रही है भाई बाइक की, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी फिटेड होती है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह का था अपना आज का ये व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी भाइयों।